कैसे हैं आप लोग। मैं हूं दीपक, आप सभी का स्वागत है बड़ा टेक्निकल पे। दोस्तों, जब हम अपने वीडियो को शूट कर रहे होते हैं, यानी कि जिस टॉपिक पे अपने वीडियो को कवर कर रहे होते हैं, तो फ्रेंड्स वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि जिस टॉपिक पे हम वीडियो को बना रहे होते हैं उनके लिए कीवर्ड्स रिसर्च सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्योंकि फ्रेंड्स इसी तरह के यूट्यूब पे जब कोई सर्च करता है, जैसे कि हाउ टू इंक्रीज व्यू, हाउ टू इंक्रीज सब्सक्राइबर्स, इसी तरह के अगर कोई कीवर्ड सर्च करता है, तो उनके फ्रेंड्स सबसे ऊपर जो वीडियो आता है फ्रेंड्स, उसमें 5 वीडियो ऐसा होता है जिस पे कोई ऑडियंस जो है वह क्लिक करती है, वह इंपॉर्टेंट होता है आपके थंबनेल पे। लेकिन गाइस, अगर आपके टाइटल या फिर टैग्स अगर रैंक कर रहे होते हैं, तभी जाके आपके पास ऑडियंस जो है वह इंक्रीज होती है, यानी कि आपके पास ऑडियंस ज्यादा आती है। तो ऐसे में बात आती है कि हम अपने वीडियोस के लिए अच्छे अच्छे कीवर्ड्स, यानी कि सर्चेबल कीवर्ड्स जो आपके लिए ओवरऑल गुड हो, यानी कि उस कीवर्ड्स पे कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा कम हो, और गाइस उस पे सर्चेबल जो है वो बहुत ही अधिक हो, ओवरऑल जो है वो करीब 50% से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो गाइस ऐसे में बात आती है कि हम ऐसे कीवर्ड्स को रिसर्च कैसे करें, ऐसे हम अगर वीडियो को बना रहे होते तो अपने कीवर्ड्स को हम अपने वीडियोज़ के लिए कैसे सर्च करें। तो गाइज इसी टॉपिक को आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो वीडियो काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी और इस वीडियो में आपको फुल्ली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो गाइज मैं हूँ दीपक, आप सभी का स्वागत करता हूँ बड़ा टेक्निकल पे। गाइज इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल बड़ा टेक्निकल को सपोर्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और पसंद आने पर इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हो। कोई गाइज मैं आपके लिए इसी तरह की कंटेंट वाली वीडियोज लाते रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि सारी इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल ही सिंपल तरीके से आपके सामने मैं एक्सप्लेन करूँ। सो गाइज चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग जानते हैं कि कैसे हम अपने वीडियोस के लिए जो है अच्छे अच्छे कीवर्ड्स, यानी कि सर्चेबल कीवर्ड्स को लगा सके और फ्रेंड्स उस पर कंपटीशन बहुत ही कम हो। मैं जब अपना वीडियो शूट कर रहा होता हूँ तो फ्रेंड्स उसमें मैं आधा घंटा जो है टाइम स्पेंड करता हूँ ओनली ऑन अपने जो है वह कीवर्ड्स पे, यानी कि कीवर्ड्स को रिसर्च करने पे कि फ्रेंड्स अगर मैं अपना जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ वह मेरा जो है ऑडियंस कैसे हमारे वीडियोस को जो है वॉच करे, कैसे हमारे वीडियो जो है उनके ऊपर में सबसे पहले आए, यानी कि जैसे ही सर्च करे तो मेरा वीडियो सबसे ऊपर आए। तो मैं इस पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता हूँ और गाइज इस पर जैसे ही मैं मेहनत करने लगा, यानी कि उस पर जैसे ही मैं अपना जो है काम करने लगा, तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो गया कि आखिर कैसे हम अपने वीडियोज में जो है वह कीवर्ड्स को लगाएं। तो गाइज इसी इन्फॉर्मेशन का आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले बात आती है कि गाइज आप जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे होते हैं उसके रिगार्डिंग सोचना, यानी कि थोड़ा देर आप थिंकिंग कीजिए। जैसे कि मैं आपके लिए अभी वीडियो जो बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ आपके लिए टाइटल्स पे और टैग्स पे, दो चीज़ मैं आपको इसमें शेयर करने वाला हूँ। तो मैं इसमें पहले टाइटल में क्या लिखा हूँ आप जाके थोड़ा देखिएगा, वह 100% सर्चेबल होता है या फिर 50% से ऊपर ही सर्चेबल होता है, जिसे ही मैं जो भी टैग लगाता हूँ या फिर जो भी मैं टाइटल्स लगाता हूँ। तो आखिर मैं ये कैसे करता हूँ? तो गाइज मैं क्या करता हूँ, तो मैं एक ट्यूबडी ऐप है और जैसे कि आप सभी के पास भी होगा ट्यूबडी ऐप, मैं उसमें क्या करता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड्स को रिसर्च करता हूँ। गाइज इसका आप पेड मेंबर भी बन सकते हैं और चाहे तो आप फ्री भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्री जो यूज़ करेंगे तो उसके लिए कुछ लिमिटेशन है। तो गाइज ऐसे में क्या करना है कि आपको सोचना है, थोड़ा देर थिंकिंग करना है कि अगर आपके ऑडियंस जो होते हैं वह किस तरीके से आपके वीडियोस को यानी कि सर्च कर सकते हैं, यानी कि आप जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे होते हैं तो फ्रेंड्स वैसे आपके ऑडियंस किस तरीके से सर्च कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपको पता नहीं होगा कि ऐसे आपके ऑडियंस जो है बहुत ही अलग अलग तरीके से इस चीज़ को सर्च करते हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि उसको एक नोट पैड में या फिर अपने मोबाइल में ही नोट पैड ऐप को आप डाउनलोड करके वहाँ पे लिख सकते हैं अपने मन थिंकिंग करके, और गाइज आप चाहें तो अपना पेन या फिर कॉपी, पेन कॉपी से आप यूज़ करके उसे आप नोट भी कर सकते हैं। और नोट करने के बाद आप उसे ट्यूबडी ऐप में चलिए, जैसा कि आप हमारे बगल में देख रहे हैं ऐसे ही आप क्या कीजिए, तो ट्यूबडी ऐप में चलिए और गाइज वहाँ पे जाने के बाद आपको करना क्या है कि आप अपने जितने भी कीवर्ड्स को लिखे हुए हैं अपने कॉपी में या फिर नोट पैड में वहाँ से आप कॉपी कीजिए और गाइज वहां पे जाके आप पेस्ट कीजिए। जैसे ही आप इसे पेस्ट करते हैं तो गाइज आपको वहां पे रिजल्ट दिखाई देता है कि आपके जो है वह कितने इस पे ऑडियंस की सर्चेबल है, यानी कि कितना ऑडियंस इसको सर्च कर रहा है, यानी कि इस पे कंपटीशन कितना है, और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सो गाइज इस तरीके से आप जो है अपने टाइटल्स को या फिर टैग्स को अपने वीडियोज में यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आप मानिए कि आपके वीडियोस पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो रैंकिंग आएगी, और फ्रेंड्स अगर आपके ऑडियंस आपके वीडियोस को सर्च कर रहे होते हैं, आपके ऑडियंस यदि उस टॉपिक को सर्च कर रहे होते हैं, तो फ्रेंड्स आपकी वीडियो जो है वो 1 से लेकर 5 या फिर 6 तक जो है वो रैंक कर सकती है, जैसा कि मैं अपने वीडियोज़ में यूज़ करता हूँ। सो गाइज जैसा कि आप हमारे बगल में देख रहे हैं फ्रेंड्स, ऐसे ही करके हम अपने जो है हुआ जितनी भी टैग्स टाइटल्स होती है उसको मैं सर्च करता हूँ और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कंटेंट लाते रहता हूँ। और आप हमारी वीडियोस पे इस तरीके से पहुँच जाते हैं सर्चेबल माध्यम से ज़्यादातर, यानी कि मेरा अगर व्यू रेट देखा जाए, मेरा अगर सब कुछ ओवरऑल देखा जाए, तो गाइज मेरा जो सब कुछ पूरा लगभग ऑडियंस है वह 70 से 75% ऑडियंस जो है वह सर्चेबल से हमारे चैनल पर आते हैं, यानी कि हमारे वीडियोज़ पर जितने भी ऑडियंस पहुँचते हैं वह सर्चेबल से ही पहुँचते हैं। तो गाइज ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि अपने टाइटल्स पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत कीजिए, थोड़ा सा
थिंकिंग करना है ऑल इन वन आपको और टैग्स पे, और आपको कुछ नहीं ऑल इन वन अपने टैग्स को कॉपी कीजिए, यानी कि आप अपने उस टैग्स को जो आपके ओवरऑल काफ़ी अच्छे गुड हो, यानी कि 50% से ऊपर हो उसके सर्चेबल और उस पर कंपटीशन कम हो, उसको आप कॉपी करके आप अपने टैग्स में यूज़ कर सकते हो, अपने टाइटल्स में लगा सकते हो। और गाइज आपके टाइटल्स से रिलेटेड ही आपके जो है जितने भी टैग्स लगा रहे हैं आप उनके, यानी कि उसी से रिलेटेड आपके टैग्स होनी चाहिए। जैसे कि मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि आप अपने वीडियोस पे कैसे सर्चेबल टाइटल्स को यूज कर सकते हैं, ठीक इसी तरीके से गाइज आप भी देखिए। अब मैं इसका जो टैग्स यूज करूँगा कि वो कैसे करूँगा कि हाउ टू सर्चेबल टैग्स, टैग्स को कैसे सर्च करें, ज़्यादा व्यूज़ वाले टैग्स को कैसे सर्च करें, यस इस तरीके के आप थिंकिंग कीजिए। और गाइज मैं ऐसे ही अपने जितने भी टैग्स होता है उसको यूज़ करता हूँ, और गाइज आप विश्वास मानिए कि आपके व्यूज़ और सब्सक्राइबर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होते हैं इनसे। सो गाइज आपके चैनल पे काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलती है। सो फ्रेंड्स कैसा लगा इन्फॉर्मेशन? इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल बड़ा टेक्निकल को सपोर्ट कर सकते हो गाइज, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और फ्रेंड्स इस तरह के लिए हमारे वीडियोज़ को आप लाइक भी कर सकते हो। सो गाइज मिलते हैं आप सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।